हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरे। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं दिया, जो कॉन्सेप्ट आपका बेसिक लॉजिक ऑपरेशन या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक वेरिएबल, तो अगर आपने उसके वीडियोज नहीं देखे हुए हैं तो मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप जाके सारी वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो, ठीक। अब आते चलो आज के टॉपिक के ऊपर कि क्या रहेगा आपका पोस्टुलेट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पहले बार उसको पढ़ते हैं और उसके आगे जितने भी यहाँ पे लॉ लिखे हुए अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोस्टुलेट एक्जैक्टली है क्या यहाँ पे, द पोस्टुलेट्स ऑफ अ मैथमेटिकल सिस्टम फॉर्म द बेसिक अजम्पशन फ्रॉम विच वी कैन डिड्यूस द रूल्स थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या बोलता है यहाँ पे ये कि कोई भी आपका जो मैथमेटिकल सिस्टम का जो पोस्टुलेट्स होते हैं वहां से अपन क्या करते हैं कि उनको हम उससे कुछ अजम्पशन करते हैं उन पोस्टुलेट्स को, ठीक है। अब क्या होता है वहां पे कि जो भी हम वहां पे अज्यूम करते हैं उनको हम वहां से कुछ रूल्स बनाते हैं उस मैथमेटिकल सिस्टम फॉर्म से, या फिर कुछ थ्योरम बनाते हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं वहां से, ताकि वो ट्रू है या फिर फॉल्स अपन वो एक बार चेक कर सके। तो वहीं पे आपके यहाँ पे छह पोस्टुलेट्स है। कौन कौन से यहाँ पे आपका, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब ये जो लॉज आपके या फिर पोस्टुलेट्स है ये अपना क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन छह प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले वाले प्रॉपर्टीज से। तो पहला वाला आपको प्रॉपर्टी लिखा हुआ वो एक्जेक्टली क्या है, क्लोजर, ठीक। तो क्लोजर एक्जेक्टली बोलता क्या है वो एक बार रीड करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। अ सेट एस इज सेट टू बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस द बाइनरी ऑपरेटर स्पेसिफाइज अ रूल टू ऑब्टेन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ एस। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सेट एस को अपन क्लोजर कब बोलेंगे, तब जब आपका जो बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है, वो अगर आपके एस के जितने भी नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट है अगर उनके बीच में कोई स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेटर रूल अप्लाई करता है, ठीक है, तो अगर उससे अपने को जो आंसर मिलेगा वो अगर यूनिक हुआ एलिमेंट ऑफ एस का, ठीक है, तो वो क्या होगा अपना क्लोजर हो जाएगा, वो अपना सेट। समझ में आ रही है तरीके से, ठीक। अब आते चलो सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड अपना क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब बाइनरी ऑपरेटर स्टार, ये अपना जो बाइनरी ऑपरेटर है उसको मैंने स्टार लिखा, ठीक है, ये अपना प्लस हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। ऑन अ सेट एस कैन बी सेट टू बी एसोसिएटिव इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो अब यहाँ पे अपन सेट एस को एसोसिएटिव लॉ कब बोल सकते हैं या फिर उसको कब डिफाइन कर सकते हैं, जब अपनी ये वाली कंडीशन जो वो ट्रू होनी चाहिए। मान लो आपके पास में यहाँ पे तीन क्या बोलते हैं वेरिएबल है, ए, बी और सी। आपने क्या किया, पहले ए बाइनरी ऑपरेटर बी इसको सॉल्व किया, जो सोल्यूशन आया उसको सी के साथ में बाइनरी ऑपरेटर लगा के उसका आंसर निकाल लिया, ठीक। अब सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो आपने बी स्टार सी किया और इसका जो आंसर आया वो आपने ए के साथ में स्टार के साथ में आपने सॉल्व कर लिया, तो इसका जो आंसर आया और इसका जो आंसर आया अगर दोनों सेम आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। और जब आपके ए बी सी होंगे वो आपके बिलोंग्स टू एस होने चाहिए, तब जाके अपना आंसर वो ट्रू फॉर्म में होगा। समझ में आया, ठीक। अब आते चलो थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अ बाइनरी ऑपरेटर स्टार ऑन अ सेट एस इज सेट टू बी कम्यूटेटिव इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब देखो यहाँ पे सेम आ गया क्या, एसोसिएटिव लॉ की तरह, कि अगर यहाँ पे अगर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हुआ तब जाके वो अपना क्या होगा, सेट कम्यूटेटिव लॉ को डिफाइन करेगा। तो अपने यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता है, अगर मैं ए स्टार बी करता हूँ, स्टार यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बाइनरी ऑपरेटर, यानी वो प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। अगर आपने मान लो ए प्लस बी किया और यहाँ पे अगर आप बी प्लस ए करते हो तो इसका जो आंसर आया और इसका जो आंसर आया दोनों अगर सेम हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कि आपका वहां पे कम्यूटेटिव लॉ वहां पे डिफाइन करता है, और जो ए और बी होगा वो आपका बिलोंग टू एस होना चाहिए। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना फोर्थ जो प्रॉपर्टी वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एक्जैक्टली वो समझते हैं एक बार। अ सेट एस इज सेट टू बी हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस। इफ देयर इज एन एलिमेंट एक्स इन सेट एस दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो मान लो यहाँ पे क्या बोलता है यहाँ पे कि अपन सेट एस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पे ये जो प्रॉपर्टी है फोर्थ वाला अपना यूज होने वाला है। तो मान लो कि आपके एस एलिमेंट में अगर कोई एलिमेंट है एक्स करके, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वहां पे उस सेट को हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी वहां पे यूज हो रहा है। अब ये कैसे हम प्रूव करेंगे वहां पे कि आपका जो x है, ठीक है, अब जो बाइनरी अपना ऑपरेटर है ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस है। तो x को मान लो वहां पे अपना कुछ एक नंबर मान लो, जैसे जीरो मान लो, ठीक। तो ये और बाइनरी ऑपरेटर जो आपका बाइनरी ऑपरेटर है उसको आप प्लस मान लो, तो a प्लस जीरो किया तो अपने आंसर क्या मिला, a मिला। अगर यहाँ पे आपने या फिर a प्लस जीरो किया तो अपने आंसर क्या मिला, a मिला। तो यहाँ पे कुछ भी करोगे, अगर आपने मान लो यहाँ पे a लिया है
और अपने यहाँ पे जीरो लिया हुआ है, ए प्लस जीरो किया तो ए मिलना चाहिए, या फिर जीरो प्लस ए किया तो अपने को यहाँ पे आंसर ए ही मिलना चाहिए। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी आपको जो आंसर होगा वो आपका हमेशा एस सेट में ही आना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, तब जाके वहां पे अपन ये जो प्रॉपर्टी है अपन इसको यूज कर सकते हैं। वो क्लियर, ठीक है। अब आते चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, यानी जो आपका इनवर्स के ऊपर। तो इनवर्स प्रॉपर्टी एक्जैक्टली क्या बोलता है, अ सेट एस हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर स्टार इज सेट टू हैव एन इनवर्स इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस सच दैट। अब यहाँ पे अगेन क्या बोलता है, कंडीशन है क्या कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपना अपना एक्स होना चाहिए। मतलब मान लो यहाँ पे अपन कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या जो आपका बाइनरी ऑपरेटर है उसको अपन प्लस मान लेते हैं, ठीक है, और जो अपना बी एलिमेंट होगा उसको मान लो माइनस ए मान लो एक बार के लिए। तो ए प्लस माइनस ए हो गया, बराबर आंसर क्या मिला अपने को, जीरो। और जो आपका एक्स एलिमेंट होगा वो आपका किस वो क्या होना चाहिए, एस सेट में डिफाइन होना चाहिए, यानी वो बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, तब जाके आपका वो वहां पे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया, ठीक। अब आते चलो सिक्स प्रॉपर्टी पे, लास्ट प्रॉपर्टी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, एग्जैक्टली इफ स्टार एंड डॉट, ठीक है, आर टू बाइनरी ऑपरेशंस वर्किंग ऑन अ सेट एस देन स्टार इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए, कौन सा, एक तो स्टार की या फिर एक डॉट की, तो जाके अपने वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जैसे मान लो ए स्टार बी डॉट सी इक्वल्स टू, या फिर ए स्टार बी इसको सॉल्व करेंगे डॉट ए स्टार सी, ठीक है, ये अपने वहां पे कंडीशन होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को अगर वो जो सेट है अगर वो ट्रू करता है तो जाके अपन वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का, ठीक है। तो ये था क्या आपके पॉस्टुलेट्स आपके मैथमेटिकल सिस्टम फॉर्म के। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो जो DELT में आने वाले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।